देखिए, पिछले 24 घंटे की बारिश ने इतना कहर बरपाया है जिससे संभावना ऐसी लग रही है कि पिछले पूरे हिमाचल प्रदेश के, जब मैं गाड़ी में बैठा था, नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध है और राज्य हाईवे भी अवरुद्ध है। मैंने अभी फैसला किया है कि जो हम 15 अगस्त मनाएंगे, उस स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त जो होगा उसको, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पर्व है, हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने वाले लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और झंडा फहराएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बारिश ने इतना कहर बरपाया है जिससे संभावना ऐसी लग रही है कि पिछले पूरे हिमाचल प्रदेश के, जब मैं गाड़ी में बैठा था, नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध है और राज्य हाईवे भी अवरुद्ध है। मैंने अभी फैसला किया है कि जो हम 15 अगस्त मनाएंगे, उस स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त जो होगा उसको, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पर्व है, हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने वाले लोगों के लिए ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और झंडा फहराएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है।